नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर प्रदेश देश की प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का प्रदर्शन, मंत्री सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंप कर दी चेतावनी। कहा, मांगे नहीं मानी तो 30 से चले जाएंगे हड़ताल पर। इंक्रीमेंट डीए और प्रमोशन नहीं मिलने से एमपी के कर्मचारी मध्य प्रदेश सरकार से नाराज हैं और आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। शनिवार को कर्मचारी फिर सड़क पर उतरे और प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपने का दौर चला। मंत्री सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंप कर चेतावनी दी गई कि मांगों को नहीं मानी तो 30 जून से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भोपाल में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को ज्ञापन दिया गया। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों के करीब 43 संगठन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जिला स्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे थे, जबकि शनिवार को दूसरे चरण में प्रदेश भर में मंत्री सांसद व विधायक को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि का लाभ तत्काल दिया जाए और 5% महंगाई भत्ता जो सरकार ने स्थगित कर दिया है उनका भुगतान कर्मचारियों को किया जाए और अधिकारी कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन दिया जाए। आप देख रहे थे शहर प्रदेश देश की प्रमुख खबरें और प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।